विराजमान महालोक समस्त हमारे साथी साहब लोग, मैं सिर्फ एक दो तीन बात कहना चाहता हूँ कि मैं बुंदेलखंड का है तो वहाँ एक कहावत कहते थे कि सावन सुदी पंचमी जो गाजे आधी रात और तुम जाओ पिया मालवा हम जाए गुजरात। तो एक प्रोग्राम हुआ, हम TTTI से वहाँ गए गुजरात में, तो वहाँ जो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने जो शब्द कहे थे वो मुझे याद हैं। उन्होंने कहा था कि आप लोग पूरे मतभेद से भारत से आए हो और हर आदमी का नीचा अलग अलग होता है। कोई कहता है कि चलो साड़ी लड़ लेंगे, कोई कहता है कि चलो घूमाएंगे। जिसका जो उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या लक्ष्य है, तो हो सकता है कि जहाँ हम खड़े वहाँ हमें आप भी आ सकते हैं। वो बात हमें याद आ गई बिल्कुल। तो हमने 4 दिन प्रशिक्षण लिया और 5वां दिन जब समारोह हुआ तो मैंने वही उनसे कहा कि मैं मतभेद से आया TTTI से, तो गुजरात में आया जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। मेरा भी 2 अक्टूबर 1955 का जन्मदिन है। तो मैंने कहा था कि जब हमको पुरस्कार मिला यशवंत कुमार कलेक्टर साहब ने सार उड़ाया था, तब कहा था कि तुम्हारा यश गांधी जी की तरह फैलेगा। तो मैं वहाँ से आया तो मुझे यहाँ वो सर्विस मिल गई और मैंने 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दी। तो मैं यही चाहता हूँ कि गुजरात एक ऐसा प्रांत है। एक और बात कहूँ कि जब मैं वहाँ हमको पुरस्कार मिला दिल्ली में, फिर गुजरात में गया तो कलाम साहब जी आए, तो मेरी पत्नी थी तो अपने प्रधानमंत्री जो भी हैं जो CM थे पहले, तो मेरा प्रोजेक्ट देखने आए तो उन्होंने सब देखा। तो भी मेरे मिशन ने कहा कि आपको तो बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो वहाँ तक बहुत जल्द लौट के आए। तो बोले क्या बोल, तो बोलेगा आपको, तो बोले अगर हम बड़ा आदमी बन जाएंगे तो हम तुमको बुलाएंगे। हमारा आज साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई कि हमको एक अवार्ड भी मिला, सब कुछ मिला हमें TTTI से। तो मैं कहता हूँ कि एक बार हम गुजरात जाएँ और अपना प्रोजेक्ट, ऐसा पहले हम एक प्रोग्राम यहाँ करके फिर गुजरात में जाके हम PM साहब को अपना प्रोग्राम दिखाएं और फिर वो बात सब भी उनसे कहें कि हमारा तो, हम तो एक छोटे 5 भी तक पढ़े लिखे हुए, हमारे पास तो कुछ नहीं था। तो मैंने एक लिखा था छोटा सा कि घोसला हौसला फैसला, माता पिता ने मिल बनाया आंगन घर परिवार महान, उन्हीं की उदासी पैदा भये भाई बहन गुरु ने रखा नाम, और शिक्षक ने शिक्षा दी समाज शासन ने सम्मान, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने करे देश का को महान। तो मैंने लिखा कि घोंसला हमारा घर है, घोंसला हमारे माता पिता ने दिया, हमारे साहब लोगों ने दिया तो हम वहाँ तक पहुँचे, फैसला हमें क्या करना है। तो हमारा हम रिटायरमेंट हो गए, हमारी एक फिल्म अधूरी थी, आज हम बड़े खुश हैं कि हमारे साहब ने उसे पूरी करने के लिए कहा कि एक प्रोग्राम करवाइए। तो मैं चाहता हूँ कि फैसला हम कम पावर से ज़्यादा पावर, कम पढ़े लिखे हुए हमारा प्रोजेक्ट है कि हम कम पावर से ज़्यादा लाइट बनाएं। तो हमारा है कि हमें तो गुजरात में सबसे अच्छा लगा, जब भी आते थे जी हंस के बोलते थे। एक बार मैं जाना चाहता हूँ और पेड़ के ऊपर मैंने एक छोटी सी 5 लाइन लिख दी पेड़ के ऊपर कि पेड़ में क्या है, पेड़ एक तन है। तो उसने लिखा हरे पेड़ हरी तुम्हारी छाया, पंचन को घोंसला मानस को छाया। पर आता है कि सूरज हुआ सवेरा, सूरज हुआ सवेरा, सूरज जी ने सबको साथ जगाया, उठो जवानों बूढ़े बच्चों जीवधारियों को गरमाया, सबको गर्मी दे दी। पर आती हवा ठंडी ठंडी पवन चली, बागों फूलों को लहराया, मानव पशु पंचन के जीवन में नई उमंग बनाया। हवा उमंग बनाती है। आता है धुन चू 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 बच्चे बोले चिड़ियों ने चहकाया, फिर भोजन आता है कूंद कूंद डाली डाली पर मीठे मीठे फल खाया, फिर पानी आता है बादल काली काली घटा गिरी है चमकत बादल आया, गरज बरस के पेड़ पौधों खेतों को नहलाया, पांचों ने मिल जुल कर अपना अपना कर्तव्य दिखाया, और माता पिता की सेवा कर कर संसार बसाया। अंत लिखी पूरन की पूर्ण विनती 5 पेड़ लगाया, तो अंत समय पेड़ों की सूखी लकड़ी ने इस तन को चलाया।